हेलो फ्रेंड्स, ग्रीनरी एवरीडे में आप सबका स्वागत है। देखिए आप मेरे ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स कितने अच्छे खिले हुए हैं, कितने अच्छे फाइन कलर है इनका, बहुत सारे प्यारे प्यारे खिले हुए हैं ये फ्रेंड्स, काफ़ी कलर में हैं जो अभी खिलने वाले भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलाती हूँ एक शेडेड वाले प्लांट से। ये बहुत ही कम केयर का प्लांट्स है फ्रेंड्स, इसका नाम है पीडीलेंथस। फ्रेंड्स ये एक नॉर्मली कटिंग से भी लग जाता है, इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो, और ये मैंने भी कटिंग से ही ग्रो किया था। मैं कहीं से एक इसकी एक ही बस इतनी सी एक मैं इसकी डंडी लेके आई थी छोटी सी, उसी से मैंने ये काफ़ी अच्छे से देखी ग्रो हो गया है। इसकी कटिंग मैंने और भी 3-4 जगह लगा रखी है। बहुत कम मेंटेनेंस वाला प्लांट है ये, इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, इंडोर भी बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे से खिला रहता है। कितनी इसकी पत्तियां देखिए कितनी बैरिकेटेड हैं, जो कितना फाइन कलर है इनका। और इसे आप धूप में भी आराम से रख सकते हैं, तो आराम से चलता रहता है। बस इसे आप ज़्यादा पानी मत दीजिए, ज़्यादा पानी में फिर इसकी जड़ें थोड़ी गल जाती हैं। और ये बहुत छोटे से ही पॉट में मेरे लगा हुआ है मिट्टी के। आप इसे सो प्लांट के मतलब सो प्लांट की समझ के आप इसे अंदर घर में या रूम में डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा बस इसको थोड़ी मतलब बस बाहर का शेड चाहिए होता है, थोड़ा सा रोशनी जो होती है बस वही चाहिए होती है। तो उससे ये देखिए कितना प्यारा है, मैंने इसकी ये ऊपर और छोटी सी छोटी चीज़ में भी आराम से चल जाता है। देखिए मैंने इसको कितनी छोटे से इसमें बॉटल में लगा रखा है, उसमें भी ये चल रहा है आराम से। और मैंने इसकी कटिंग और भी 2-3 जगह नीचे लगा रखी है, उसमें भी आराम से चल रहा है। तो आप इसको अपने घर में ज़रूर लगाइए, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिए प्लीज़। और चलती हूँ मैं, बाय।